दोस्तों, धरती के इतिहास में रह चुके जीवों को पढ़ने के लिए वैज्ञानिक जमीनों में से फॉसिल खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन फॉसिल खोजते खोजते उन्हें कुछ ऐसा हाथ लग जाता है जिसे देख पूरी दुनिया दंग रह जाती है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे जीव जिनका शरीर बर्फ में जमा पाया। वूली मैमथ हाथियों की वे प्रजाति थी जो हजारों साल पहले धरती पर घूमा करते थे। वैज्ञानिकों को इनसे जुड़े कई फॉसिल्स पहले भी मिल चुकी हैं, लेकिन साल 2008 में एक ऐसे बेबी मैमथ का शरीर पाया गया जो अपने आप में हैरानजनक था। इस मैमथ को यूका नाम दिया गया और इसकी बॉडी को बर्फ में जमा पाया गया। इसका साइज करीब 6 फीट था और बर्फ में जमने के कारण उसकी बॉडी लगभग पूरी तरह से सही से मौजूद थी और वे डीकम्पोज नहीं हुई। यूका मैमथ अब तक के पाए सभी बॉडी में से सबसे वेल प्रिजर्व मैमथ है। इस मैमथ की एज करीब 38,000 साल पहले की है और वैज्ञानिकों ने इसे पढ़ के बताया है कि इसके शरीर पे इंसानी हथियारों के निशान मौजूद हैं, जो बताता है कि इसे इंसानों द्वारा मारा था। इसके शरीर के पूरे बाल मौजूद हैं, बल्कि इसका ब्रेन इतना प्रिजर्व्ड है कि इसमें मौजूद ब्लड वेसल्स पूरी तरह से इंटैक्ट हैं। यह खोज दुनिया के लिए इसलिए इतनी ऐतिहासिक है क्योंकि वैज्ञानिक इसके डीएनए की मदद से वूली मैमथ को एक बार फिर धरती पर जीवित कर सकते हैं। साइबेरिया दुनिया की सबसे ठंडी जगह में से एक है, इसलिए यहाँ काफ़ी फ्रोजन एनिमल्स की बॉडी पाई जाती है। साल 2011 में हजारों साल पुरानी एक विशाल बाइसन की बॉडी पाई गई। यह जीव एक स्टेप बाइसन था जो आज के बाइसन के पूर्वज हैं। इसका शरीर काफ़ी बेहतर प्रिजर्व था, जहाँ उसका ब्रेन और दूसरे ऑर्गन्स ठीक हजारों साल पहले की तरह ही पूरी तरह से इंटैक्ट था। यह बॉडी करीब 9,000 साल पुरानी थी। वैज्ञानिक ने पाया कि इसकी मृत्यु खाना न मिलने के कारण होगी, क्योंकि इसकी बॉडी में फैट ना के बराबर था। बाइसन की बॉडी मिलने से पहले साल 2009 में वैज्ञानिकों को एक और हैरतअंगेज चीज देखने को मिली। इस बार उन्हें एक एडल्ट फीमेल वूली राइनोसोरस की बॉडी मिली। यह बॉडी नदी के 20 फीट नीचे बर्फ में जमी मिली। इसका शरीर पूरी तरह से इंटैक्ट था, जिसे देख के लग रहा था जैसे कोई स्टैचू सामने रखा हो। यह बॉडी करीब 39,000 साल पुरानी थी, जिसके पेट में से पेड़ पौधे के अवशेष तक पाए गए। यहाँ तक कि इस जीव की आंख तक खुली थी, जो बताता है कि नदी के पानी ने इसे तुरंत ही जमा दिया होगा। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि सिर्फ प्राचीन जानवर ही हमें बर्फ में जमे मिले। धरती पे आज के समय में ऐसी कई जगह हैं जिनका तापमान काफ़ी कम है और ऐसे जगहों पे हमें कई हैरतअंगेज दृश्य देखने को मिल सकते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब एक जर्मन हंटर को एक एडल्ट फॉक्स का पूरा जमा शरीर मिला। यह बेचारा जीव नदी के अंदर जमा था, जिसने शायद खाने के चक्कर में थिक आइस शीट पे चलना ज़रूरी समझा होगा और आइस शीट के टूटने के कारण वे नदी में गिर गया होगा और जम गया होगा। उस हंटर ने उस फॉक्स को नदी के बाहर निकाला और आप भी इस हैरतअंगेज तस्वीर को देख सकते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है कि जानवर ठंडी नदी में पानी सहते जम जाते हैं। ऐसा ही साल 2014 में नॉर्वे में देखने को मिला, जो वैज्ञानिकों के लिए चौंका देने वाला था। उन्होंने ढेर सारी मछलियों को नदी के सतह पर जमा पाया। इन मछलियों की तादाद 1,000 से भी ज़्यादा रही होगी। इससे पहले कभी भी मछलियों को इस हालत में नहीं देखा गया था, क्योंकि नदी की सतह पर जमी थिक आइस शीट उसके अंदर रहने वाली मछलियों को उल्टा बाहर के गिरते तापमान से बचाती है। यह खोज वैज्ञानिकों के लिए वरदान के समान थी, क्योंकि इस जीव से जुड़े बेहद कम फॉसिल मौजूद हैं। साल 2012 में साइबेरिया में एक बार फिर एक बेहद अनोखे प्राचीन जीव का शरीर जमा पाया। यह जीव था यूरेशियन केव लायन का, जिन्हें धरती पर रह चुके सबसे विशाल बिग कैट्स में से एक माना जाता है। इस बार एक नहीं बल्कि 2 केव लायंस का शरीर पाया गया, जो कि 2 बच्चे शेर का था। वैज्ञानिकों ने इसे 30,000
हजार साल पुराना बताया और वे दो बच्चे करीब एक हफ्ते ओल्ड रहे होंगे। एक बच्चे का मुंह पूरी तरह से टूटा पाया गया जो बताता है कि उनका डेंट ढह गया होगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक करें और हमारा चैनल थिंक मिस्टीरियस जरूर सब्सक्राइब करें।